स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो अमेजिंग वॉचेस की। यहाँ पे दोनों ही सेम प्राइस सेगमेंट में आती हैं वॉचेस। एक तरफ है Amazfit BPU Pro और एक तरफ है Honor Watch Ears। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बहुत ही ज्यादा बेटर है। एक तरफ आपको मिलती है IPS डिस्प्ले और एक तरफ मिलती है आपको AMOLED डिस्प्ले। देखेंगे दोनों में से कौन सी डिस्प्ले ज्यादा बेटर है। सारी की सारी मैं बातें करने वाला हूँ, डीप डाउन रिव्यू आप सभी को देने वाला हूँ। तो चैनल पे न्यू है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज आप सभी के लिए बनाता रहूं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये वॉच दोनों में से कोई सी पसंद है तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बाय कर सकते हो। मैंने लिंक वहां पे प्रोवाइड कर दी है आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है जब आप कोई भी वॉच बाय करते हो या वो कोई भी कंपनी की हो। तो यहाँ पे BPU Pro में आपको 1.43 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। 320x302 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है। और वॉच ES में, Honor Watch ES में आपको 1.65 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलती है। इसका रिजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है, 456x280। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर जो शोकेस है इसका, वो थोड़ा सा डिफरेंट है BPU Pro से। BPU Pro आपको थोड़ा सा स्क्वायर शेप में मिलती है और वॉच ES आपको रेक्टेंगुलर शेप में मिलती है। तो आप पे मैटर करता है, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको रेक्टेंगुलर वॉच अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। बट मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, तो आपके उस पर डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं रेस टू वेक, आपको दोनों में मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अवेलेबल है Honor Watch ES में। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एज मिल जाता है अगर आप Honor Watch को बाय करते हो यहाँ पे, अगर BPU Pro से कंपेयर करें तो। और आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि ऑफिशियल पेज पे बताया गया है BPU Pro में आपको 2.5D कर्व ग्लास मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग भी आपको मिल जाती है। और वॉच ES में आपको 2.5D कर्व ग्लास है, साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। देखिए डिस्प्ले का, चाहे कोई भी वॉच अगर वॉच मेकर या वॉच मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो डिस्प्ले में कोई ना कोई प्रोटेक्शन होता ही होता है। उसमें स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, चाहे वो टेम्पर्ड प्रोटेक्शन आपको दे, चाहे वो कोई ना कोई ड्रैगन ट्रेल ग्लास दे या गोरिल्ला ग्लास दे, वो देते ही देते हैं आपको प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर वॉच पे आपकी स्क्रैचेस आ सकते हैं या मे बी आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रगेड यूज़ कर रहे हो वॉच को, रफली यूज़ कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर टेम्पर्ड चढ़ा लेना चाहिए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे जो शार्पनेस है टेक्स्ट की, वो कहीं ना कहीं दोनों की सिमिलर है। 326 पर पिक्सल डेंसिटी है दोनों ही वॉचेस में। तो यहाँ पे टेक्स्ट में देखने में आपको कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं देखने वाला है। और यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा है BPU Pro की, बट यहाँ पे Honor Watch ES सारा क्रेडिट ले जाती है क्योंकि यहाँ पे AMOLED डिस्प्ले का यूज किया गया, जिसके डीप ब्लैक्स आपके कहीं ना कहीं आंखों को एकदम मस्त कर देंगे। मतलब समझ लीजिए कि Honor Watch ES का जो डिस्प्ले है अमेजिंग है। वॉच सेगमेंट में 5000 की रेंज में अमेजिंग आपको डिस्प्ले मिलता है, जितने भी वॉचेस हैं आपको मिलती है आउट देयर इन मार्केट, क्योंकि इसमें AMOLED डिस्प्ले का यूज किया गया जो कि डीप ब्लैक्स प्रोड्यूस करते हैं और सारे के सारे कलर्स एक्यूरेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे Honor Watch ES को मैं एज देना चाहूंगा एज कम्पेयर टू BPU Pro। आगे बढ़ते चलते हैं यहाँ पे वॉच फेस सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस में आपका एप्लीकेशन सपोर्ट और क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं। BPU Pro में अप्रॉक्सीमेटली 50-70 क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस हैं और OTA अपडेट्स के थ्रू और भी ऐड हो सकते हैं, आराम से कंपनी प्रोवाइड कर देगी आपको। वॉच ES में बहुत सारे OTA अपडेट्स ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है और 100+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं। फ्रीक्वेंट सपोर्ट भी है एप्लीकेशन का और अपडेट्स का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और साथ में जो क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस हैं वो भी दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि हम अपनी गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस रख सकते हैं। यस, आप रख सकते हो, दोनों ही वॉचेस में वो चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोई कटौती नहीं करी गई है। आगे बात करते हैं यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग एंड स्पोर्ट्स मोड के बारे में। तो दोनों में बहुत सारे फिटनेस ट्रैकिंग एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन मिलते हैं आपको। BPU Pro में आपको 60+ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और वॉच ES में ड्रास्टिक 95 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और ऑटो सीन मोड मिलते हैं, साथ में 12 आपको एनिमेटेड मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि Honor Watch ES में आपको एनिमेटेड जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है वो मिलती है, जो कि BPU Pro में मिसिंग है। बट यहाँ पे एक चीज एज में देना चाहूंगा कि 95 स्पोर्ट्स मोड कुछ ज्यादा ही होते हैं एज कम्पेयर टू 60+ जो BPU Pro में। तो डेफिनेटली यहाँ पे वॉच ES थोड़ा सा आगे निकल जाती है। आगे दोनों ही वॉचेज आपकी वाटर प्रूफ है, आप स्विमिंग के लिए लेके जा सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला है, या स्प्लैश या वाटर कुछ भी आपकी वॉच पे पड़े कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो IP68 दोनों ही रेटिंग के साथ आती है। आगे यहाँ पे दोनों ही वॉचेस के जो सेंसर है वो फेयरली एक्यूरेट है, 90% एक्यूरेसी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है, चाहे आप स्पोर्ट्स ट्रैकिंग कर रहे हो, चाहे आप फिटनेस एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे हो, हार्ट रेट या फिर आप SpO2 लेवल्स को मेजर कर रहे हो, तो सारे के सारे जो आपके सेंसर्स हैं वो एक्यूरेट काम करते हैं, अच्छी तरीके से काम करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट सेंसर है, दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हैं, बट BPU Pro में एक एक्स्ट्रा एडिड फीचर है यहाँ पे, जियोमेट्रिक सेंसर, साथ में यहाँ पे आपको GPS का सपोर्ट भी मिल जाता है एज कम्पेयर
टू वॉच ईयर्स में जीपीएस का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। बट यहाँ पे बायोट्रैकर 2PPG ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर का यूज किया गया है, बीपीयू प्रो में एक्सेलोमीटर है, गायरोस्कोप सेंसर है और वॉच ईयर्स में आपको 6 एक्सिस एक्सेलोमीटर और गायरोस्कोप सेंसर मिलता है। तो ज्यादा एक्यूरेसी मैं कहूंगा, मतलब 2-3% एक्स्ट्रा एक्यूरेसी एड हो जाती है वॉच ईयर्स में और कैपेसिटिव सेंसर भी आपको मिल जाता है। तो जो यूआई का जो स्मूथनेस है वो ज्यादा बढ़ जाती है वॉच ईयर्स में एज कम्पेयर टू बीपीयू प्रो, क्योंकि इसमें कैपेसिटिव सेंसर भी अलग से दिया गया है जो आपके टच को सेंस करता है अच्छी तरीके से, जिससे आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं बीपीयू प्रो में आपको और ऑनर वॉच ईयर्स में आपको, दोनों में ही स्मार्ट नोटिफिकेशन मिल जाते हैं बट आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो, प्री रिकॉर्डेड रिप्लाई बैक नहीं कर सकते। बीपीयू प्रो में ये फीचर अवेलेबल हो सकता है, मे बी आपको अभी जो आपने वॉच डायरेक्टली बाय किया तो उसमें भी हो सकता है मिल सकता है, क्योंकि इसमें एलेक्सा बिल्ट इन है, साथ में यहाँ पे आपको माइक भी मिल जाता है इन बिल्ट, तो मे बी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर दे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर हम बात करें, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला आप सभी को। फुल टच डिस्प्ले मिलती है आपको, यहाँ पे कोई भी स्टटर या लैग नहीं मिलता, स्मूथ आपकी चलेगी। बट वॉच ईयर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि कैपेसिटिव सेंसर भी दिया गया, तो ज्यादा स्मूथ आपको वॉच ईयर्स का यूआई मिलने वाला है एज कम्पेयर टू बीपीयू प्रो। मैं यहाँ पे स्मूथ की जगह सुपर स्मूथ कहना चाहूंगा और बीपीयू प्रो में स्मूथ है, इसमें कोई इशू नहीं है। दोनों में ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन है, तो 10 मीटर तक की रेंज आपकी कहीं नहीं गई, आप अपनी वॉच को 10 मीटर तक की रेंज में यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। फाइंड माय फोन, कैमरा शटर बटन और म्यूजिक कंट्रोल दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है, तो ये एक्स्ट्रा एडेड फीचर आपको बहुत सारे वॉचेस में नहीं मिलते हैं जो कि फाइंड माय फोन है। आजकल कलर फिट वाली वॉचेस में भी नहीं ये प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फाइंड माय फोन का एक अच्छा कहीं ना कहीं होना चाहिए ये वाला फीचर एंड फंक्शन। और आगे बात करें यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया था बीपीयू प्रो का जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो आपका एलेक्सा बिल्ट इन है और साथ में जीपीएस बिल्ट इन आपको मिलता है, तो आपको ऑल टाइम वॉच को मतलब ऑल टाइम आपको अपने फोन को ले जाने की जरूरत नहीं अपने साथ, आप अपनी वॉच के साथ ही आप सारी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो और वॉच को आप कमांड्स दे सकते हो, टर्न ऑन द लाइट्स एलेक्सा इस तरीके से, व्हाट इज द वेदर एलेक्सा इस तरीके से आप कमांड दे सकते हो, तो आपको वहां पे शो टाइम कर देगी। यहां पे आपको माइक नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको स्पीकर नहीं मिलता है, माइक मिलता है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मेरे को ये कमी लगी, अगर स्पीकर हो जाता कॉलिंग के लिए, बेशक 1000 रुपये बढ़ाए थे बीपीयू प्रो वाले, मतलब अमेज़फिट वाले, तो ज़्यादा बेटर था, इस रेंज में बहुत ही अमेजिंग वॉच हो जाती, क्योंकि जो ब्रांडेड जो आपके जितने भी ब्रांड्स हैं वो ब्रांडेड आपको चीज़ें इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ का फ्लो लगा वो है स्पीकर का। और वॉच इस और बीपीयू प्रो दोनों ही वॉचेस आपकी एंड्रॉइड या आईओएस से पेयर हो जाती हैं, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आप आराम से दोनों ही वॉचेस को पेयर कर सकते हो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। आगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की बात करें, तो दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल अच्छा खासा हार्डवेयर आपको मिल जाता है, यहाँ पे 64 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है बीपीयू प्रो में और ऑनर वॉच ईयर्स में 4 GB ऑफ इंटरनल मेमोरी मिलती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादा जो इंटरनल मेमोरी वो कहना चाहूंगा वॉच ईयर्स में, क्योंकि इसका यूआई थोड़ा सा हैवी है, साथ में यहाँ पे आपको वॉच फेसेस को स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है। 128 MB इंटरनल रैम मिल जाता है आपको और 32 MB ऑफ रैम मिल जाता है बीपीयू प्रो में। उसी के साथ साथ यहाँ पे बीपीयू प्रो में RTOS UI का यूज किया गया है वॉच ईयर्स में, हुआवे कस्टम UI का यूज किया गया है, सिंगल बटन आपको दोनों ही वॉचेस में मिलती है और गेस्चर्स आप यूज कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर्स काम करते हैं दोनों ही वॉचेस में, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला आप सभी को। बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में बात करें, तो दोनों ही वॉचेस आपकी करीब करीब 2 घंटे में चार्ज हो जाती है, बट यहाँ पे वॉच ईयर्स थोड़ा सा 1 घंटा 5 मिनट में चार्ज हो जाती है, थोड़ा सा जल्दी चार्ज होती है और स्टैंड बाय टाइम भी दोनों का डिफरेंट है। वॉच ईयर्स जहाँ पे आपकी 25 दिन तक चलती है एमोलेड डिस्प्ले के साथ, बीपीयू प्रो आपकी IPS LCD डिस्प्ले के साथ 45 डेज तक रन कर सकती है, मतलब स्टैंड बाय टाइम पे ले सकती है। दोनों में ही बैटरी सिमिलर दी गई है, 230mAh ली पॉलीमर आयन बैटरी का यूज किया गया है, 9 डेज का रन टाइम क्लेम करती है बीपीयू प्रो ऑन द पेपर और वॉच ईयर्स आपका 10 डेज तक का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर। यहाँ पे दोनों में ही मैग्नेटिक चार्जिंग मिलती है, एक में पोगो पिन है और एक में मैग्नेटिक है, और एक्चुअली में ये 6 दिन तक बैटरी बैकअप देती है आपको बीपीयू प्रो विदाउट नोटिफिकेशन, मतलब आपने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया तो आपको 6 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप नॉर्मली लेके जा रहे हो ऑफिस या आपने फिटनेस एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, और अगर सारे के सारे नोटिफिकेशन अगर आप ऑन रखते हो तो 4-5 दिन का आराम से आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा बीपीयू प्रो में। अगर आप GPS ऑन रखते हो ऑल टाइम तो आपको कम से कम 1.5-2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी बीपीयू प्रो। ऑन द अदर हैंड वॉच ईयर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक्चुअली 8 दिन का आपको विदाउट नोटिफिकेशन यहाँ पे बैटरी बैकअप मिल जाएगा, मतलब अगर आपने ब्लूटूथ को सीधे कट डाउन कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऑनर वॉच मैजिक है और अप्रोक्सीमेटली सेम बैटरी कैपेसिटी का यूज़ किया गया, उसमें भी 230-240 mAh बैटरी है और वो अप्रोक्सीमेटली 7-8 डेज आराम से चल जाती है अगर मैं सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ रख दूँ उसके, तो और सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखता हूँ तो 2-2.5 दिन ही चलती है वो। और यहाँ पे
अगर आप वॉच ईएस में सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो 4 से 5 दिन तक रन आपकी कट जाएगी आराम से। तो ये आपको डिफरेंस मिलता है दोनों ही वॉचेस में। आगे हम बात करते हैं मेन फीचर्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे मेन फीचर्स मिलते हैं बीपी प्रो में आपको और वॉच ईएस में। दोनों में आपको हार्ट रेट सेंसर मिलता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ट्रू सीन 4 मिलता है वॉच ईएस में, उनका खुद का कुछ एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करने के लिए। SpO2 मॉनिटर आपको दोनों में मिल जाता है, साथ में स्ट्रेस मॉनिटर मिलता है। और यहाँ पे आपको वॉच ईएस में ट्रू रिलैक्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। और यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग का दोनों में ही मिल जाता है, विद ट्रू स्लीप आपको मिलता है वॉच ईएस में। और बीपी प्रो में आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है और PAI हेल्थ असेसमेंट सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। इससे ये श्योर रहते हो कि आपको एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। वॉच ईएस में आपको कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग अच्छी तरीके से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। 44 एनिमेटेड वर्कआउट मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पे। इसका USP यही है कि यहाँ पे GPS मिसिंग है, बट यहाँ पे जो एनिमेटेड वर्कआउट है वो आपको बहुत सारे मिलते हैं। 12 एनिमेटेड वर्कआउट कोर्स आपको मिलता है यहाँ पे, कोर्स करने का मौका, तो ये भी आपको एज है एज कम्पेयर टू बीपी प्रो। और यहाँ पे स्ट्रैप क्वालिटी और बिल्ड मटेरियल के बारे में बात करें तो यहाँ पे वॉच का जो वेट है दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है। बीपी प्रो आपकी 31 ग्राम्स की है तो ऑनर वॉच ईएस 34 ग्राम्स की है। यहाँ पे दोनों में ही 20mm स्ट्रैप साइज का यूज किया गया, तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होने वाला है आप सभी को। यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बीपी प्रो में आपको सिलिकन रबर मटेरियल का यूज किया गया है, वॉच ईएस में आपको सिलिकन स्ट्रैप का यूज किया गया है। तो दोनों की क्वालिटी सिमिलर ही है, बट थोड़ा सा ज्यादा मैं एज देना चाहूंगा बीपी प्रो को, सिलिकन रबर मटेरियल का यूज किया गया जो ज्यादा स्किन फ्रेंडली है। और सिलिकन स्ट्रैप भी स्किन फ्रेंडली है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं सिलिकन स्ट्रैप वाली ही वॉच यूज करता हूँ, जैसे कि आपकी रियलमी वॉच थी वो सिलिकन स्ट्रैप के साथ ही आती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं मेन वॉच की बात करूँ, जो डायल है वो पॉलीकार्बोनेट का दोनों ही वॉचेस में बना है, तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, अच्छी बात है। बट यहाँ पे अगर मेटल का डायल होता या एल्युमिनियम एलॉय का होता वो ज़्यादा बेटर था। और बेस की अगर मैं बात करूँ तो वही पॉलीकार्बोनेट का ही बना है। तो यहाँ पे वॉच का जो वेट है वो कम करने के लिए कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। और यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही सिमिलर मेरे को नजर आती है। अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो Amazon Flipkart से बाय कर सकते हो, बट अगर आपको लो प्राइस में कोई भी वॉच बाय करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहां पे आपको लो प्राइस लिंक मिल जाएगी। उसी के साथ साथ एक चीज और बोलना चाहता हूँ, आपको दोनों में से कौन सी वॉच बेटर लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, और कौन सा फीचर आपको कौन सी वॉच का ज्यादा बेटर लगा वो भी आप मेरे को बताइए। सो आइए आप सभी के सारे डाउट्स मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।